पर जैस्मिन को देख के रुबीना कूदने लगी थी, रुबीना खुश हो गई थी देखकर, वहीं पर रुबीना को लगता है कि जैस्मिन खुश नहीं है। नमस्कार, मैं मृदंग ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, निकिता अंबोली दरअसल जैस्मिन के पास गई थी और उन्होंने ये बात कही थी, जब जैस्मिन ने जब वो टीवी पर आई थी कि भाई कनेक्शंस जो है वो घर के अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ पर इस बात पर जब पहली बार बोलने का मौका होता है तो निकिता अंबोली को कहती है कि पल्लू पकड़ के वाली बात। तो यहाँ पर निकिता अंबोली उनसे पूछने जाती है, वो पूछने जाती है, वो बोलती है कि तुम पहले वाली निक्की जो थी वो इंडिविजुअल थी, वो भी बदतमीज थी, लेकिन अभी वाली जो निक्की है वो रुबीना के अंडर नजर आती है एक तरीके से। वो उन्होंने कहा, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब तो देख गेम शो जो है वो खत्म होने वाला है, 2 ही हफ्तों का गेम है, अब कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, यही वाली बात सारी जो है वो रुबीना को बताती है और वहां पे ज्योतिका भी इन्वॉल्व होती है, वहां पे अभिनव भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर रुबीना अभिनव से कहती है कि देखो, मैंने जब लिटरली जब जैस्मिन को मैंने देखा, मैं बहुत खुश हो चुकी थी, मैं उछल गई थी उसको देख के, मैं इतनी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हम लोगों को देखकर या हम लोगों से मिलकर खुश नहीं है। जिस पर अभिनव कहते हैं कि वो सिर्फ हम लोगों से मिलकर नहीं, बल्कि वो यहाँ पर वापस आकर इतनी सी भी खुश नजर नहीं आ रही है। सो गाइज, ये वाली बात, क्योंकि देखो उन्होंने जिस तरह से ज्योतिका ने भी ये वाली बात जो थी वो बोली थी, तो गार्डन एरिया वाली बात कॉन्वर्सेशन भी अभिनव को बताई गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रुबीना ने जो जजमेंट लिया है वो सही है या नहीं? वेल, राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिले ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।